हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू स्वागत रीवा। तो यूट्यूब की तरफ से उसका खुद का एक ईटिंग एप्लीकेशन आना था जो कि आ गया है, जिसका नाम है यूट्यूब क्रिएट, जिसकी मदद से आप लोग इंस्टाग्राम, यूट्यूब एंड यूट्यूब के शॉर्ट्स, किसी की भी वीडियो आप लोग आसानी से एडिट कर सकते हैं, बड़े आसानी से एडिट कर सकते हैं। ये एक ईटिंग सॉफ्टवेयर है, एक एडिटिंग एप्लीकेशन है के टाइम पे बहुत सारे लोग, मैं खुद ही इनशॉट एंड VN कैपकट एंड पावर डायरेक्टर ये सब ऐप यूज करता था। तो अब आप लोग इन ऐपों को भूल जाइए, और क्योंकि अब यूट्यूब अपना खुद का ही एक एडिटिंग ऐप दे रहा है, जिसकी मदद से आप लोग अपनी वीडियो को बहुत आसानी से एडिट कर सकते हैं। और ये ऐप एक बिल्कुल फ्री है, इसमें कोई प्रीमियम पेड नहीं करना पड़ेगा, आप लोगों को कोई भी पैसा नहीं लगेगा, इसमें एकदम फ्री है, इसमें कोई वाटरमार्क वगैरह कुछ भी नहीं आएगा। गाइस, ये एप्लीकेशन बहुत सिंपल है, कोई भी बच्चा कोई भी इस ऐप को बहुत आसानी से यूज कर सकता है, बहुत सिंपल ऐप है। और गाइस, मैं आप लोग को बता दूं कि इसमें बहुत सारे फीचर्स हैं जो कि आप लोग की एडिटिंग में बहुत आसानी होगी, एडिटिंग करने में, और बहुत अच्छी एडिटिंग आप लोग कर सकते हैं इस ऐप से। और ये इसमें आप लोग को खुद का म्यूजिक मिलेगा, मतलब इस ऐप में आप लोग को खुद के म्यूजिक मिलेंगे, जो कि इस ऐप के खुद के म्यूजिक है, क्योंकि ये यूट्यूब के यूट्यूब की लाइब्रेरी से टाइप है। तो इसमें आप लोग को सारे म्यूजिक मिल जाएंगे जो कि आप लोग यूट्यूब की वीडियो में एंड अपने ब्लॉग में आसानी से यूज कर सकते हैं, इसमें कोई कॉपीराइट नहीं आएगा। और ये ऐप अभी सिर्फ आप लोग के लिए ही आया है, मतलब एंड्रॉयड यूजर के लिए ही आया है बीटा वर्जन में, और ये ऐप अभी आईफोन वालों के लिए नहीं आया, iOS के लिए नहीं आया है। तो गाइस, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आप लोगों को क्या करना है, सबसे पहले प्ले स्टोर को ओपन कर लेना है एंड अपने सर्च बॉक्स पे जाना है, एंड यहाँ पे आप लोग सर्च करना है यूट्यूब क्रिएट। ये आप लोग को लिख के सर्च कर देना है एंड यहाँ पे सर्च वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। अब यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, ऊपर ही आप लोग को मिल जाएगा इस तरह का आप लोग को यहाँ पे लोगो, एंड यहाँ पे आप लोग क्या करना है, सिंपली इंस्टॉल कर लेना है। तो चलिए यहाँ पे हम इंस्टॉल कर ले रहे हैं। तो यहाँ पे हमारा ऐप इंस्टॉल हो चुका है, आप लोग क्या करना है कि यहाँ से ओपन पे क्लिक कर देना है, एंड ओपन हो जाने के बाद यहाँ पे आप लोग को कुछ तरह का इंटरफेस ओपन होकर मिलेगा। अब आप लोग यहाँ पे करना है साइनअप करना है। तो यहाँ पे आप लोग करना है कि इसमें क्लिक करना है एंड यहाँ पे आप लोग को अपने ईमेल से लॉगिन करना है। अब यहाँ पे आप लोग क्या करना है कि यहाँ से प्लस वाले आइकन पे आप लोग क्लिक कर देना है एंड यहाँ पे आप लोग को अलाउ कर देना है। अब यहाँ से आप लोग को अपनी कोई भी वीडियो सेलेक्ट कर लेना है या फोटो। तो यहाँ पे चलिए मैं अपनी वीडियो सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो यहाँ पे मैंने अपनी वीडियो सेलेक्ट कर ली। अब यहाँ पे आप लोग क्या करना है कि इम्पोर्ट पे क्लिक कर देना है। अब यहाँ पे हमारी वीडियो ऐड हो चुकी है इस ऐप के अंदर, आप लोग देख सकते हैं। अब जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख रहे हैं, जो यहाँ पे हमारा फालतू का पार्ट है, जैसे यहाँ पे मैं नहीं दिख रहा हूँ, तो कहाँ से मैं निकल रहा हूँ, जैसे मैं यहाँ से निकल रहा हूँ, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा कि ये पहले वाली जो वीडियो है, यहाँ तक वाली वीडियो, तो यहाँ पे मैं इसको स्प्लिट कर दूंगा। अब स्प्लिट करने के बाद आप लोग को स्प्लिट पे क्लिक करना है एंड यहाँ पे आप लोग को देखिए ऑप्शन मिलेगा फिल्टर का, तो आप लोग यहाँ पे फिल्टर लगा सकते हैं, ब्लैक कर सकते हैं, यहाँ पे इसको थोड़ा कम ज़्यादा, या कि आप लोग को ब्राइटनेस बढ़ाना है ये ड्रामा, एंड यहाँ पे आप लोग को बहुत कलरफुल वाले फिल्टर मिल जाएंगे, तो यहाँ से आप लोग ये भी ऐड कर सकते हैं। अब इसके बाद आप लोग को यहाँ पे इफेक्ट मिल जाएगा। अब यहाँ पे आप लोग को जिस तरह का भी इफेक्ट लगाना हो, जैसे 3D ग्लासेस इफेक्ट है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, जैसे ये इफेक्ट लग गया। अब यहाँ पे कटआउट इफेक्ट है, ये भी लग जाएगा यहाँ पे आप। तो ऐसे इसमें बहुत सारे इफेक्ट्स हैं। तो आप लोग क्या करना है कि यहाँ से, अब आप लोग को फिर से आगे बता रहा हूँ, आप लोग को एडजस्टमेंट का है, यहाँ से आप लोग ब्राइटनेस एडजस्ट कर सकते हैं, कंट्रास्ट, हाईलाइट, शेडो, यहाँ पे आप लोग अपना सब कुछ एडजस्ट कर सकते हैं, कलर बढ़ा सकते हैं इसकी। अब यहाँ पे आप लोग को स्पीड का ऑप्शन दिखेगा, तो यहाँ से आप लोग इसकी स्पीड बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं, देखिए जैसे इसकी स्पीड बढ़ गई, अब यहाँ पे घट गई, एकदम स्लो हो गया, अब यहाँ पे बढ़ा दिए पूरा बढ़ जाएगी एकदम स्पीड में, ये देखिए। अब यहाँ पे आप लोग को वैल्यूम का ऑप्शन दिखेगा, तो यहाँ से मैं इसकी वैल्यूम कम कर सकता हूँ, यहाँ पे ज़्यादा कर सकता हूँ, यहाँ पे पूरी वैल्यूम कम कर देते हैं। अब यहाँ पे आप लोग को ऑडियो क्लीनअप का ऑप्शन दिखेगा, रोटेट का, आप लोग इसको किसी भी तरह रोटेट कर सकते हैं, यहाँ पे ऐसे ऐसे आप लोग को जिस भी एंगल में रखना हो। अब यहाँ पे आप लोग को डिलीट का ऑप्शन मिल गया, तो आप डिलीट कर सकते हैं, तो मैंने ये वाला पार्ट डिलीट कर दिया। अब यहाँ पे क्या करना है कि यहाँ पे हम लोग को टेक्स्ट का ऑप्शन दिखेगा। अब यहाँ पे मान लीजिए आप लोग कुछ लिखना हो, यहाँ पे आप लोग को दो तरह के टेक्स्ट मिलेगा, एक प्लेन टेक्स्ट, एक टेक्स्ट इफेक्ट, मतलब एक प्लेन में टेक्स्ट मिलेगा, एक इफेक्ट में। अब यहाँ पे जैसे मैं लिखता हूँ स्वागत रीवा, ये लिख दिया मैं, अब इसको डन कर देते हैं। अब यहाँ पे आप लोग इसको कहीं भी रख सकते हैं, ऊपर नीचे, आप लोग इसको
छोटा भी कर सकते हैं, बड़ा भी कर सकते हैं, जो जैसे भी आप लोग करना हो। तो यहाँ पे मैं इसको रख देता हूँ छोटा करके। अब यहाँ पे आप लोग एडिट वाले ऑप्शन पे जाइए, इसको फिर से एडिट कर सकते हैं। ये एडिट हो गया, यहाँ पे मैंने ऐसे ही कर दिया है। अब यहाँ पे आप लोग फॉन्ट भी चेंज कर सकते हैं अलग अलग, या आप लोग यहाँ पे बहुत सारे फॉन्ट्स दिख जाएंगे। अब यहाँ पे आप लोग कलर की बात आती है तो कलर यहाँ पे आप लोग को बहुत सारे मिल जाएंगे। बैकग्राउंड यहाँ पे आप लोग कैसे ही रखना हो, एंड यहाँ पे आप लोग को फॉर्मेट मिल जाएंगे इस तरह के। जैसे आप लोग को फॉर्मेट ऐसा रख सकते हैं, ये ऐसा कुछ भी आप लोग रख सकते हैं। यहाँ पे आउटलाइन मिल जाएगी, शेडो मिल जाएगा इसके पीछे आप लोग को रखना हो तो। यहाँ पे आप लोग को बहुत सारे ऑप्शन दिखेंगे। अब यहाँ पे आप लोग इसमें एनिमेशन भी ऐड कर सकते हैं। जैसे आप लोग कोई सिंपल सा नहीं चाहिए तो आप लोग यहाँ पे बाई पेन राइट आप लोग ऐसे देखिए ऐसे घूम घूम के आएगी यहाँ पे, ये यहाँ पे साइड राइट मतलब यहाँ राइट से आएगा, ये आया है। तो ऐसे यहाँ पे आप लोग बहुत सारे यहाँ पे रोटेट एंड यहाँ पे डिलीट का ऑप्शन है, आगे डुप्लीकेट का ऑप्शन। अब यहाँ पे आप लोग को बात आती है थर्ड नंबर पे स्टिकर की। तो यहाँ पे आप लोग को बहुत सारे स्टिकर मिल जाएंगे, जैसे सब्सक्राइब का हो गया, लाइक एंड सब्सक्राइब का हो गया, नो वे नो एंड यहाँ पे एरो वाले ऑप्शन। ये सब स्टिकर के हम लोग को काम पड़ता रहता है। आप लोग को अपने शॉर्ट में एंड रील्स में वीडियो में आप लोग को ही स्टिकर्स का काम पड़ता रहता है। अब यहाँ पे आप क्या करेंगे, जैसे ये वाला हमको स्टिकर लगाना हो तो यहाँ से हम इसको ऐड कर लेंगे एंड इसको क्या करेंगे कि इस पर क्लिक करेंगे, इसको हम यहाँ छोटा बड़ा कैसा भी करके इसको साइड पर ऊपर यहाँ पर रख देते हैं। अब इसको आप लोग यहाँ से छोटा भी कर सकते हैं, ऐसे बड़ा भी कर सकते हैं, कम ज़्यादा आप लोग कैसे भी रख सकते हैं यहाँ पर। यहाँ पे इसको एनिमेशन लगा के एनिमेशन से आप लोग कैसे भी ला के रख सकते हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे आगे बात आती है साउंड की। तो यहाँ पे आप लोग इसके खुद के साउंड मिलेंगे, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कई कैटेगरी के साउंड सॉन्ग है यहाँ पे, हिप हॉप पॉप डांस रॉक लेटिन एम्बियंस बहुत सारे सॉन्ग है। तो यहाँ पे मैं आप लोग को एक सॉन्ग ओपन करके सुना देता हूँ। ये हो गया, दूसरा ये हो गया। अब यहाँ पे आप लोग को साउंड इफेक्ट मिल जाता है, जैसे आप लोग को यहाँ पे बहुत सारे साउंड मिल जाएंगे। तो यहाँ पे आप लोग कोई सा भी सॉन्ग मतलब जैसे आप लोग खिड़की की आवाज़ चाहिए, कुछ भी चाहिए, तो आप लोग को उस तरह के वॉइसेस यहाँ पे मिल जाएंगी। जो यहाँ पे आप लोग गाड़ी से जा रहे हैं कहीं पे तो उस तरह का साउंड चाहिए तो यहाँ पे मिल जाएगा। तो ऐसे यहाँ पे आप लोग को सॉन्ग मिल जाएंगे, इसमें आप लोग को कॉपीराइट नहीं आएगा एंड यहाँ पे आप लोग को खुद के म्यूजिक मिल जाएंगे। आप लोग खुद के जो म्यूजिक हैं तो यहाँ पे आप लोग को म्यूजिक मिल जाएंगे, तो वहाँ से आप लोग खुद का भी म्यूजिक ऐड कर सकते हैं। एंड यहाँ पे आप लोग को ओवरले का भी एक ऑप्शन मिलता है, तो यहाँ से आप लोग कोई भी चीज़ आप लोग यहाँ पे स्क्रीन रिकॉर्डिंग या कोई भी वीडियो आप लोग साइड पे अगर लगाना हो आप लोग को तो यहाँ पे लगा सकते हैं। आप लोग को यहाँ पे ओवरले का भी ऑप्शन मिल रहा है। तो जैसे यहाँ पे मैं ये वाली फोटो लगा देता हूँ, कुछ नहीं है यहाँ पे तो मैं यही लगा देता हूँ आप लोग को सिर्फ दिखाने के लिए। तो जैसे इसको मैं यहाँ पे ओवरले पे लगा दिया, यहाँ पे अलग ऐसे कहीं पे भी आप लोग लगा सकते हैं, अच्छे से एडजस्ट कर सकते हैं अपने हिसाब से। एंड इस ओवरले को भी आप लोग को अगर एडिट करना हो तो यहाँ पे आप लोग को बहुत सारे ऑप्शन दिख जाएंगे, तो यहाँ से आप लोग एडिट कर सकते हैं, डुप्लीकेट कर सकते हैं, दो ठे यहाँ पे आ जाएंगे देखिए आप लोग। एंड इसको फिर यहाँ से डिलीट भी कर सकते हैं, डिलीट का ऑप्शन यहाँ पे दिखेगा तो ये हट गया यहाँ पे। तो आप लोग ऐसे ही यहाँ पे ओवरले भी ऐड कर सकते हैं। अब यहाँ पे आगे आया है वॉइस रिकॉर्डर। अब यहाँ पे आप लोग को अलाउ कर देना है। अब यहाँ पे जैसे आप लोग को कोई वॉइस यहाँ पे अलग से डालनी है तो यहाँ पे कैसे करना है कि चलिए आप लोग को दिखा देता हूँ। हेलो फ्रेंड्स, अभी आप लोग डन कर देना है तो यहाँ पे आप लोग को वॉइस लग गई होगी जी। अब यहाँ पे आप लोग को आगे आप लोग को अगर कैप्शन का ऑप्शन यहाँ पे दिख रहा है, जैसे आप लोग की इसमें जो जो वॉइस है मतलब आप लोग का सॉन्ग है वॉइस है तो आप लोग यहाँ पे कैप्शन भी डाल सकते हैं। तो यहाँ पे आप लोग को वॉइस रिकवर ऑल वीडियोस मतलब जहाँ जहाँ पे आप लोग की वॉइस है सॉन्ग है उसका कैप्शन यहाँ पे आ जाएगा। तो यहाँ पे आप लोग को लैंग्वेज मिलती है इंग्लिश स्पेनिश हिंदी, तो आप लोग यहाँ पे कोई भी सेलेक्ट करके अपना कैप्शन अलग से डाल सकते हैं, तो इससे आप लोग की वीडियो और अच्छी दिखेगी। ऐसे जो लोग इंस्टाग्राम पे टिप्स एंड ट्रिक्स वाली वीडियोस बनाते हैं उनमें कैप्शन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत रहती है, तो आप लोग यहाँ से इस वीडियो को एडिट करके एंड कैप्शन डाल सकते हैं।
अब इसको रही सेव करने की बात, तो आप लोग क्या करना है कि यहाँ से आप लोग को ऊपर जाना है एंड यहाँ पे आप लोग को एक्सपोर्ट का ऑप्शन दिखेगा एंड यहाँ पे आप लोग को रेशियो का भी ऑप्शन दिखेगा। तो यहाँ से आप लोग को रेशियो जो भी सिलेक्ट करना है 9:16, यहाँ आप लोग को 1:1, आप लोग किसी भी रेशियो पे यहाँ पे सेव कर सकते हैं। इसके बाद आप लोग क्या करना है कि यहाँ से एक्सपोर्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है एंड यहाँ पे आप लोग क्वालिटी देख सकते हैं स्टैंडर्ड 720p इंटरनेट TP हाई एकदम। तो आप लोग यहाँ पे एक्सपोर्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर दीजिए तो वीडियो आप लोग के यहाँ पे सेव होने लगेगी। तो फ्रेंड्स कैसा लगा आप लोग को ये ऐप एंड ये ट्यूटोरियल? अगर आप लोग को कहीं पे भी थोड़ा सा भी अच्छे मतलब आप लोग को वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लोग वीडियो को लाइक जरूर करिएगा एंड चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। एंड अगर आप लोग को कोई भी प्रॉब्लम आती हो इस ऐप में एंड कुछ भी एडिटिंग करने में या कुछ भी, तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं एंड डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम के लिंक है तो उस पर आप लोग जाकर मुझे फॉलो कर लीजिए।